गाइस फाइनली आखिरकार 5:28 हो चुके हैं और लाइट भाग चुकी है, तो नियत कर लीजिए आप लोग मुरादाबाद जाने की, अगली बार नहाने की और मुरादाबाद जाने की नियत कर ली है हमारे दोस्तों ने। गाइस देख सकते हैं कितना स्टॉप का पानी हो गया है, ये 12 बंद हो चुका है हमारा, इसका सुरंग दिखा दूंगा आप लोगों को। इसमें आवाज बहुत चौक के आती है। हेलो, मुरादाबाद जाने वाले यात्रियों से गुजारिश है कि सीट कवर बांध लें। ये 12 वाली गाड़ी कल सुबह 11 बजे चलेगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज दानिश मलिक। दोस्तों आज है हमारा ये पहला ब्लॉग गर्मियों की स्टार्टिंग का, और आज हम और हमारे यार दोस्त सब लोग आए हुए हैं फरीदपुर गाँव के अंदर नहाने के लिए, और ये सामने चल रहा है 12। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी ये सारा लुक दिखा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस कमाल के ब्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि गांव के अंदर किस तरह 12 पे नहाने का एंजॉय लिया जाता है। गाइस ये हैं हमारी बाइक, गाड़ियों से आए हैं, और ये हमारे अरमान भाई नहाने में लगे हुए हैं। बहुत ही चिल्ड पानी है गाइस, और माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये हमारे नाजिम भाई कपड़ों समेत ही नहा रहे हैं, शादी में से आए हैं बिल्कुल। हाँ, और शादी में से आके तुरंत नहाने में लग गए हैं। बोले गाइस हम लोगों की एक खासियत है कि हम में से कुछ दोस्त हमारे रहते हैं जो अंडरवेयर बिल्कुल नहीं पहनते, जैसे कि नंबर वन तो मैं ही हूँ। मैं नीचे अंडरवेयर नहीं पहनता, देख सकते हो जीन्स में ही नहा रहा हूँ। और ये हमारी पूरी टीम नाजिम भाई है और अरमान भाई, ये अंडरवेयर पहनते हैं, लेकिन ये हमें देख के कायल होके इन्होंने भी अंडरवेयर पहन के नहीं नहाए, सब जीन्स में ही नहा रहे हैं। ये हमारी टीम की खासियत है, कोई भी कपड़े उतार के नहीं नहाता। आज मैंने भी जो है टी शर्ट और सेट वगैरह उतार दिए, नहीं तो हम कपड़ों समेत ही नहाते हैं सब। ये चल रहा साहब 12, और ये कोल्ड ड्रिंक पड़ी है अभी पिए। ये हमारे नाजिम भाई लुत्फ लेते हुए पानी का, देख लो कुछ देर में। हाँ करो स्टंट कर दिखाओ यार। ये हमारे अरमान भाई, ये लो हमें भी कुछ दिखाने का मौका दे दो। देख रहे हो अरमान भाई, अरमान भाई का सांस गाई सांस है मेरे यार देसी बंदा। और कुछ करके दिखाते हैं। अब रुको, हम तीन जने इसमें को बैठक में देखेंगे कौन पहले निकलेगा, वीडियो बनाएंगे। तो भाई साहब हम तीनों भाइयों में जो है बैठ लगी है, देखते हैं पानी के अंदर कौन सबसे ज्यादा देर तक सांस रोकता है। तो चलो करके दिखाते हैं, देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि कौन सबसे देर में निकला है। चलो ओए भाई, हाँ सबसे पहले यही निकला। अरे मेरे कानों में आवाज भी आनी बंद हो गई, कानों में पानी भर गया मेरे तो। कौन निकला? तुम निकलो सबसे एंड में। नहाने का भी अलग ही मजा है यार, टेस्ट है। नाजिम भाई को भी कुछ करने का मौका दो भाई, देखो नाजिम भाई क्या करके दिखाते हैं। नाजिम भाई का सबसे लंबा सांस। तो गाइस फाइनली आखिरकार 5:28 हो चुके हैं और लाइट भाग चुकी है, तो नियत कर लीजिए आप लोग अगली बार
नहाने की और मुरादाबाद जाने की नियत कर ली है हमारे दोस्तों ने। गाइस देख सकते हैं कितना टॉप का पानी हो गया है। ये ट्वेल बंद हो चुका है हमारा, इसका सुरंग दिखा दूंगा आप लोगों को। इसमें आवाज बहुत टॉप की आती है। हेलो हेलो, मुरादाबाद जाने वाले यात्रियों से गुजारिश है कि सीट कवर बांध लें। ये 12 वाली गाड़ी कल सुबह 11 बजे चलेगी। देखिए गाइस पानी की क्लैरिटी, इसी में नहा रहे थे। कितना खूबसूरत पानी है यार। अरमान भाई कह रहे हैं तो पानी को मत छेड़ो, लौंडिया समझ रहे हो उसे क्या? हाँ ये बात तो हकीकत है, देख रहे हो क्लैरिटी। और पाक पानी है, बिल्कुल वाकई में पाक है। पीने वाली तो ना पाक है लेकिन पानी पाक है। गाइस देखो अब नहा के हम हो चुके हैं, तैयारी चल रही है। जो तो वो मैंने ही पहननी है, शर्ट वेट रह गई है। अब अरमान भाई हैं हमारे, देखो आधा घंटा हो गया यही सोचे आ रहे हैं बार बार, यार क्या करूं, पहनूं या ना पहनूं, पहनूं या ना पहनूं। हाँ मजबूरी है भाई। भाई भी देखो इतनी देर से जूता हाथ में लिए हुए बैठे हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ चूम लो इस जूते को एक बार। और अब हमारे मोबाइल भी हैं, पैसे भी हैं, 2,000 के नोट हैं सब, लेके कहाँ जाएं अब? अभी रखे गाय में जाएंगे, देख रहा हूँ। अब क्या है, जो पीछे बंदा बैठा है उसको पकड़ने पड़ेंगे। नाजिम भाई तो तैयार हो चुके हैं, तैयारी के हुए तो ऐसी ना है जिंदा। सब लोगों को तैयार होकर दिखाता हूँ मैं, मुझसे कैसी कैसी पोजिशन में यहाँ को नहाने आए थे। तो गाइस अब हम हो चुके हैं सबके सब तैयार नहाने के बाद में। कुछ इस तरीके की कंडीशन लेकर आए थे मैं, जूते बूते पहन कर आई थी पूरी टीम। शादी में से डायरेक्ट यहीं को आ गए थे नहाने के लिए, देख सकते हो। फहीम भाई हैं बिल्कुल, ओफ लेडीज वर्सेस रिकी बेल। ये है कुछ इस तरीके का मामला माशाल्लाह इन लोगों का, किसी की नजर ना लगे यार। एक काम करो 12 में से निकाल के थोड़ी थोड़ी वो लगा लो, गाद हरी वाली लिफाफा, शादी हॉल में तो दिया ना तुमने। तो कुछ इस तरीके का लोकेशन है जहाँ पे हम नहाने के लिए आए थे। ये जो है फतेहपुर से रास्ता आ रहा है, फरीदपुर या फतेहपुर, फतेहपुर से। और ये जो रास्ता है इधर को जो जा रहा है ये रतनपुर जा रहा है। और माशाल्लाह बीच जंगल में खड़े हैं। ये 12 था जिसपे हम नहाए, ये 12 है और ये हमारी गाड़ी है और हम सब नहा लिए हैं। सो फाइनली गाइस अब हम नहाने के बाद में मुरादाबाद की तरफ को मुंह कर दिया है। अरमान भाई कैसा लग रहा है नहाने के बाद? भाई बहुत मजा आ रहा है, और ये कपड़े जो गीले कराए इससे और ज्यादा अच्छा लग गया, और ज्यादा अच्छा लग रहा है, हवा लग रही ठंडी ठंडी। हाँ नाहिम भाई बढ़िया, मजा आ गया नहाने में। मजा आ गया? नहीं मजा आ गया, बहुत अच्छा ज्यादा मजा आ गया मेरे। मजा आ गया नहा के, पूरे ठंडे हुए बने ठंडे। तो नहाने को माशाल्लाह दिल खुश हो गया नहाने के बाद में। और थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दूं जंगलों का नजारा। ये है इस रास्ते की लोकेशन, ये बहुत ज्यादा संभल रोड से अंदर को रतनपुर को एक रास्ता जाता है फतेहपुर से, उस रास्ते में अंदर आके हम नहाए थे 12 पे। अक्सर हम मुरादाबाद शहर से यहीं आते हैं नहाने को। हम लोग 12 पे भी नहा सकते, उस पर भी नहा सकते स्विमिंग पूल में, लेकिन उसमें नहाते नहीं क्योंकि उसमें लड़के जो है ना कांड करते रहते हैं, पेशाब भी करते रहते हैं। 100-150 रुपये का तो तेल फूक के आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए हम लोग, लेकिन देसी पानी में नहाते हैं, शुद्ध पानी में एकदम। मसला ये है